गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा काम किया जाए। तो हमको जो बाबू के कपड़े हैं वो फैलाने के लिए ऊपर जाना पड़ता है और डॉक्टर ने हमें जीना चढ़ने के लिए मना किया है, इसलिए हमने सोचा कि चलो गार्डन में ही कोई व्यवस्था बनाई जाए कपड़े फैलाने के लिए। तो हम आ गए हैं अपने गार्डन में और आपको दिखाते हैं कि हमने क्या किया है कपड़े फैलाने के लिए। बारिश की वजह से गार्डन बहुत गंदा भी हो गया था, इसकी साफ़ सफाई भी करनी थी हम लोगों को, तो सोचा चलो आज थोड़ी साफ़ सफाई भी हो जाए गार्डन की और कपड़े फैलाने की थोड़ी सी जगह भी बनाई जाए। तो आपको दिखाते हैं हम। इसमें अमरूद आते कहाँ हैं? जो आते भी हैं वो पहले ही ख़राब हो जाते हैं। तो अब ठंडी आ रही है, हम लोग धीरे धीरे करके अपना गार्डन सही करेंगे। बारिश में गार्डन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है और जब ठंडी और गर्मी आती है तो ये गार्डन बहुत ही अच्छा लगने लगता है। ये देखिए, यहाँ का जो मनी प्लांट का पेड़ लगाया था वो बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन एक दिन बंदर आकर इसको उखाड़ दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 डाल और लगी हुई थी, वो हमने ऊपर चढ़ाना शुरू कर दी है। नीचे से काटोगे ना? पूरा पूरा काट दो इसको। पूरा काटेंगे, तुम पता है जब काटेंगे तोड़ देगा पेड़ आकर लोग बाकी। और ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने डाल डाली है और सारी गाय आकर इसको खाने लगी हैं। चलो अच्छा हुआ कि वेस्ट नहीं हुआ ना, गाय का भोजन तैयार कर दिया आज तुमने तो। कितनी ज़्यादा गाय आ गई, तुमने बुलाया इनको? सीटी बजाने से भी आ जाती है। अच्छा, तुम्हारे एक सीटी पे गाय भी आ जाती हैं? अच्छा। हम लोग गार्डन की सफाई करने के बाद थक गए थे, फिर सो गए और अब हमने सोचा लाओ बाबू की मालिश कर देते हैं। और ये देखिए, बाबू फिर से सोने लगे हैं, तो अभी देख रहे हैं बाबू जब जग जाएंगे शाम के समय तो हम इनको पापा मम्मी के पास छोड़ देंगे और गार्डन में जो थोड़ा सा काम बचा हुआ है वो करेंगे। और ये देखिए, ये जगने वाले हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये जगें, हो सकता है सो भी जाएं। बच्चों की नींद ऐसी ही होती है, जब मन करता है सो जाते हैं और जग जाते हैं। ना परेशान करो उसको, ये ऐसे ही सोता है कूं कां करके। हटो यार, उसको सोने दो। सो जा भैया। सो गया। अब हो रहा है शाम का समय और बाबू को हमने पापा मम्मी को दे दिया है, वो जग गया था। और आप ये देख सकते हैं, ये सारे गमले जो हैं वो बारिश में बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो इनको हम निकालेंगे बाहर, फिर इनकी करेंगे थोड़ी सी सफाई। यहाँ पर सारे गमलों की मिट्टी निकाल देंगे और इनको फिर से लगाएंगे, मिट्टी को अच्छे से मिक्स करके। समय समय पर गमलों की मिट्टी निकाल कर और पौधों को फिर से लगाने की ज़रूरत होती है। ये सिंगोनिया का पौधा है, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसकी मिट्टी निकाल कर और इनको फिर से लगाया जाए तो ये अच्छे से चल जाते हैं। और ये पौधे मुझे बहुत पसंद भी हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है और ये हरे भरे रहते हैं। ये इतने सही हो गए ना? प्लास्टिक की जो लड़ी नहीं आती उस तरह ली फूल की, वह नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ से लाएंगे चल के। नींबू अच्छे निकले हैं? नींबू अच्छे नहीं निकले हैं, देख लो। झाड़ दिया गया था ना?
कम है लेकिन आए हैं। तो आप देख सकते हैं सारे गमलों को साफ कर दिया है और पौधों को फिर से लगा दिया गया है। अब हम अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू।